जो मोदी के पक्ष है उनसे भी कह रहा हूं, हम होते तो तुझे छह छह गोलियां मार देते। फिरोजाबाद की जनता को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने योगी और मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी के दिमाग पर सिर्फ नाम बदलने का बुखार चढ़ा हुआ है। अब हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से, क्या आप ये भगवा संविधान को लेकर आएंगे या अंबेडकर के बना हुए संविधान को बरकरार रखेंगे? अगर बाबा से कहेंगे, मुख्यमंत्री से, कि अगस्त सितंबर में 45 और 200 के दरमियान में बच्चों की मौत हुई, तो बाबा बोलेंगे नाम फिरोजाबाद है इसलिए बुखार आ गया। और ओवैसी ने गॉडसे को आतंकवादी और हरामी जैसे शब्दों से नवाजा और क्या कुछ कहा अपने संबोधन में, आप खुद ही सुनिए। फिरोजाबाद में सब अगस्त सितंबर में बुखार आया तो मीडिया ने लिखा है कि 45 से लेकर 200 के दरमियान में मासूम बच्चों की मौत हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार बीजेपी की सरकार है। आप बताइए कि टाइफाइड हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, क्या क्या हो जाता है, पेड़ के नीचे बच्चों को लिटाकर वहां पर उनको ड्रिप दिया जा रहा था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। अब आप जाकर अगर बाबा से कहेंगे, मुख्यमंत्री से, कि अगस्त सितंबर में 45 और 200 के दरमियान में बच्चों की मौत हुई, तो बाबा बोलेंगे नाम फिरोजाबाद है इसलिए बुखार आ गया। बाबा के दिमाग पर ये नाम को हटाने का बुखार है। मुख्यमंत्री के दिमाग में ये नहीं आता कि बच्चे क्यों मर रहे हैं। बच्चे इसलिए मर रहे हैं क्योंकि बीजेपी की सरकार ने फिरोजाबाद में सिर्फ 17 पब्लिक हेल्थ सेंटर्स कायम किए। डॉक्टर का इंतजाम नहीं है, दवाएं नहीं है, कुछ नहीं है, मगर बाबा कहेंगे कि नाम बदल दो फिरोजाबाद का, बुखार नहीं आएगा, बच्चे नहीं मरेंगे। नाम बदलने से कुछ नहीं होता, काम करना पड़ेगा, मगर जहां कहीं भी नाम फिरोजाबाद होगा, नाम बदल दो, नहीं सुने ठोक दो, नहीं सुने जेल में डाल दो। ये इनकी पॉलिसी रही है। बीजेपी की सरकार पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। अब आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, जो मोदी के भक्त है उनसे भी कह रहा हूं, अगर कोई फेसबुक पर योगी और मोदी के बारे में कुछ अनाप शनाप लिख दे तो 4 घंटे के अंदर हजरत पुलिस उसके घर को पहुंच जाती, चल हमारे साथ। खाली फेसबुक पर देश के एक प्रधानमंत्री के अहदे पर रहने वाले मनमोहन सिंह से कहा जा रहा है कि अगर हम होते तो तुझे 6-6 गोलियां मार देते। आपको मालूम, लंबा अरसा हो चुका है, होकर 4-5 दिन हो चुके, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अरे मनमोहन सिंह की तो इज्जत नहीं करते तो देश के प्रधानमंत्री के अहदे की तो इज्जत करो। आज मोदी प्रधानमंत्री है, कल कोई और होगा इंशाल्लाह, मगर उस अहदे की तो अजमत, उसका इकबाल रहना चाहिए ना। कोई कैसे खड़े होकर कह सकता है, कोई कैसे खड़े होकर कह सकता है कि मैं पार्लियामेंट में होता तो 6-6 गोलियां मार देता, मगर कोई एक्शन उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार ने नहीं लिया। एक और महाशय थे, उन्होंने क्या कहा उत्तराखंड के ईसाइयों को, कहा क्रिसमस नहीं मनाना, क्रिसमस मनाओगे तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। अच्छा, एक और महाशय ने कह दिया कि मैं भगवा संविधान दे रहा हूं। अब हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से, क्या आप ये भगवा संविधान को लेकर आएंगे या अंबेडकर के बना हुए संविधान को बरकरार रखेंगे? संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बीजेपी, नरेंद्र मोदी सन्नाटे में है। और फिर एक और मैडम ने कहा, वन मैडम है से, क्या कहा मैडम ने, मुझे 100 सिपाही चाहिए जो 20 लाख ओवैसी की तरह लोगों को मार दे। भाषण में कहा, कमरे में नहीं, भाषण में कहा, और कहा कि भारत का संविधान गलत है और भारत के लोगों को नाथूराम गोडसे की पूजा करनी चाहिए।
क्या करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। वो गांधी का कातिल हरामी गोडसे की पूजा करेगा। हमारा निकाह करना 7 बजे। माशाल्लाह हफ्ते में 2 बार हमारा अख्त होता है टीवी के ऊपर, निकाह होता है हमारा, दूल्हा बनाकर पेश किया जाता है हमको। ये देखो, ये बोला वो बोला, ऐसे बोला वो बोला। अरे अल्लाह जबान दिया तो बोलने के लिए दिया ना, गूंगा रहने के लिए तो नहीं दिया है ना। संविधान के दायरे में रहकर बोल रहा हूं, तुमसे संविधान सीखना नहीं है, मैं तुमको सिखा सकता हूं संविधान। उत्तराखंड हरिद्वार में एक धर्म संसद हुआ। क्या हुआ? अब धर्म संसद में उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार, आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गुजरात में ईसाइयों के चर्च के में जाकर कहा कि भारत की अखंडता को बरकरार रखना है, भारत की यूनिटी को बरकरार रखना है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। मगर हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि उत्तराखंड में आपकी सरकार है और उस सरकार में वहां पर एक धर्म संसद हुआ जिसमें उसका नाम क्या रखा गया, इस्लामिक भारत में सनातन का भविष्य, ये हुआ है। अच्छा, उसमें क्या कहा गया? उसमें चलिए मैं लफ्ज मुसलमान नहीं बोलूंगा क्योंकि योगी और मोदी और उनके चमचों को बड़ी आपत्ति होगी। मैं ये कहूंगा कि उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के बारे में ये कहा, एक महाशय ने कहा कि काश मैं एमपी होता तो मनमोहन सिंह को गोलियां मार देता। देश का मनमोहन सिंह 10 साल का प्रधानमंत्री, अगर मैं पार्लियामेंट में होता तो एक महाशय बोले, उनका नाम नहीं बोलना चाह रहा हूं मैं, ना छोड़िए, नाम तो सिर्फ अल्लाह का रहेगा, याद रखो, नाम तो सिर्फ अल्लाह का रहेगा और किसी का नाम नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब उसमें भी इनको तकलीफ हो जाएगी। तो एक महाशय ने कहा कि अगर मैं पार्लियामेंट में होता तो नाथूराम गोडसे की तरह 6 गोलियां भारत के एक्स प्राइम मिनिस्टर को गोली मार देता। आखिर कितना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दिन का खर्च? सिंधिया परिवार की संपत्ति के बारे में जानकर अंबानी और अडानी के भी होश फाख्ता हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि आरबीआई पुराने और कटे फटे नोटों का क्या करता है? और अगर अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री की मौत हो जाए तो उसकी डेड बॉडी के साथ क्या किया जाता है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार फैक्ट्स और न्यूज पढ़ने के लिए KIA News ऐप डाउनलोड।